सर ये हमारी सिस्टर थी तो इसका रजनी देवी क्या हुआ ये इनके साथ तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं जो टॉर्चर करते रहे उसको, उसने कभी किसी को बताया नहीं है। और इनके पर पूरा जितना भी मायका है वो बिल्कुल शरीफ लोग हैं, उनके साथ भी बात की, उन्होंने बहुत कोशिश की है इन कमरों में चले, वो शरीफ लड़की थी। तो इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए जो उसका जेठ था वो प्रॉपर्टी के लिए बार बार टॉर्चर करता रहा उसको, और टॉर्चर करते के बाद उसके बाद उसने कि इस कंडीशन में आ गए कि उसको रात को उसने मार दिया, हमें पता चला सुबह, और मार के ये उसको रस्से के साथ टांगने लगे पंखे के साथ, और टांगने के बाद इसको हमें सुबह पता लगा 6 बजे, तो उन्होंने बोला कि उसको बेटे को पता है, पूरा बेटे को पता है कि मम्मा को मार के, तो उसने बतेर चलाया, उसने चलाया बहुत चलाया, चलाने के बाद उसने पूरी सिस्टम में बात बता दी कि आर्मी वालों को भी बता दी कि ये मम्मा को इन्हें मार दिया। फिर उसने अपने बुआ अपने मामे के लड़के को फ़ोन किया, कटरा से वो आया, उसने देखा वाकई से मार दिया इन्होंने, मार के उसके बाद ले आए रात को ये अपने सतवारी में MH में ले आए, उस MH में अभी उन्होंने रेफर किया हुआ है इधर अपना अब लक्ष्मीनगर में, यहाँ पर वो करेंगे पोस्टमार्टम से पता चलेगा उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी लोग पब लगाई है, कितने बच्चे थे? एक ही बच्चा था, 11th में वो पढ़ रहा है, पति आर्मी से रिटायर आया हुआ है, हाँ, और जेठ है वो आर्मी में, वो भी रिटायर आया हुआ है, उस प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने उसको मार दिया। हाँ इन्हें सुनाई है भैया को, सुनाई है उन्होंने, लेकिन भाई भी शरीफ है, पूरा 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 फैमिली शरीफ है इनकी, लेकिन उन लोगों ने दबा कर रखा था इसको, वो मायके भी तकरीबन 5-6 साल के बाद वो मायका जाती थी, अभी राखी के दिन गई थी, वो गई थी पूरे मोहल्ले में अपने रिश्तेदार को जितने भी आज घूम के आई, अब देखो राखी को कितने दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया ना राखी हो, तो हफ्ते में क्या हो गया इनको, कोई बीमार नहीं थी, कोई कुछ नहीं था उसको, और शरेआम जो मर्डर किया गया है। हाँ पुलिस आई है, पुलिस उधर नहीं, पुलिस को हमने बोला है तो पुलिस फिर उड़ गए, पुलिस को भी नहीं बताया, वो डायरेक्ट MH में ले आए। जी जी आप लोगों को कैसे पता चला इस हादसे के बारे में? वो बेटे ने बताया। हाँ क्या बेटा क्या कह रहा है? बेटा यही कह रहा है कि मम्मी को उसने मार दिया, मार के टांग रखे थे, जब उसने देखा तो उसने फिर अपने बुआ के लड़के को उसने फ़ोन किया, बुलाया कटरा से, कटरा से आकर उसने वो देखा कि वाकई ये सच बात है, तो उसके मैं ले आप जी अपना बख्शी नगर में ले आए MH में, उसके बाद आप बख्शी नगर में आए हैं, वो देखते हैं क्या करते हैं आगे। हाँ क्या इंसाफ, इंसाफ उसका इंसाफ तो चाहिए ही ना, एक उनने मार दिया तो इंसाफ तो उसने तो चाहिए ना, ठीक है। अभी वहाँ से निकले तो बख्शी नगर तक भी उनका ना पति आया, उसका परिवार में कोई आया ही नहीं इधर, ठीक है, उस रिश्तेदार आए सब, वो भी लड़की के रिश्तेदार आए हैं, उनके रिश्तेदार अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, अब देखते हैं उनके प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है और अपना नौशहरा में भी है, हमारा ये है कि हम उसकी डेड बॉडी को इसके कमरे में ही जलाएंगे, ठीक है। क्या क्या आँखोगे सर? मैं नहीं बात सकता। मैं लड़की का भाई हूँ, रात को, हाँ रात को 2:15 बजे मुझे मेरे फ़ोन आया, हमारा पत्रिया हमारा छोटा, उसने फ़ोन किया है कि बूजी की बूजी की डेथ हुई है कहना, मैंने सोचा कि मैंने ऐसे ये लेटर लिया कहना, ऐसे ऐसी बात कोई आया ही नहीं थी, मेरी एक मगर ताई की लड़की थी वो मगर बीमार रही थी, मैं सोचा बुआ वो ही बोल लगती है कहना, सुबह जब सुबह हुई तो सुबह हमारे घर बंदे आए, उन्होंने बोला कि आपकी ये सुना, मैंने हमने तो ये सुना मैंने आपकी छोटी बहन है जो रजनी है उसकी डेथ हो गई, फिर हम वगैरह उधर से काफ़ी बंदे आए हैं, उसका जो जेठ है ना उन्होंने उसका नाम अशोक कुमार, उसने जो उसने हाँ उसकी जब 20 साल हो गए उसकी शादी हुई है, 20 साल वो टॉर्चर मगर करता रहा करना, मगर टॉर्चर इतना करता था, उसकी जो सास थी वो भी टॉर्चर करती थी,
उसकी जो जेठ की लड़की थी वो भी उसको टॉर्चर करती थी, इतना टॉर्चर कर रखा था, 24 घंटे टॉर्चर कर रखा था। रात को उन्होंने क्या किया कि रात को उसने पहले उन्होंने गला दबाया, गला दबाकर मार कर उसको मैं फंदे पर लटका दिया। हमें चाहिए इंसाफ करना। तो कि ये सब आपको किसने बताया? पत्रिया में मेरा ना यहाँ पे मैं बुटीक में काम करता, उसको हमारा जो उस बहन का लड़का था उसने बोला है कि मेरी मम्मा को इन्होंने मार दिया है ना। अब वो लड़का बयान बदल रहा है ना, वो बोल रहा है नहीं ऐसे हुआ है। पहले उसने बोल दिया मेरी मम्मा को इन्होंने मारा, बाद में आप वो बयान अपना बदल रहा है ना। तो ये सब कुछ आज हुआ है या? आज रात को वाक्य ना, जो रात बीत गया आज रात का ये था वाक्य आ गया। पुलिस मौके पे आई है, उन्होंने देखा। हम तो हमें चाहिए इंसाफ करना, हमें इंसाफ चाहिए ना। हमारे साथ इन्होंने बहुत बहुत गलत किया है ना, हमारी छोटी बहन थी। होगा ना नहीं पहले बताती थी जो अपना जेठ के लिए बोलती थी ना, जेठ तो जो उसकी थी ना जेठानी वो उसको भी परेशान करते थे, उसकी लड़की भी परेशान करती थी ना, मगर सभी परेशान करते थे। जो उसका घर वाला है वो उसके अपने भाई के आगे वो नहीं बोलता था ना, जो कुछ कहता है गलत करे सही करे वो आना, जो बीर ने बोला वो ठीक है ना। अब इस वक्त डेड बॉडी इन्होंने लाई है लेकिन वो बख्शी नगर गेट पे है कि ना, आप इधर पहुँचे नहीं, जब पहुँचेंगे तब लगे के बता करना, मैंने उसको अभी देखा नहीं। जी कितने साल हो गए इनकी शादी का? हो गए हैं 18 साल। बच्चे कितने थे? हाँ एक लड़का। नाम क्या था इनका? रजनी देवी। चले वाला आया वो भाई बहन की वीडियो फोटो भेजी अकेले ही थी। जिनकी डेथ हुई माइनस करूँ बेल चराने में उन्होंने जगह ली है, वो जो उसका पति गया वो फौज से कहना आया है, टेंशन जो उसका जेठ है वो भी आया।